एक तरफ पाकिस्तान के आर्थिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं और देश की मुद्रा गिरती जा रही है, दूसरी तरफ मुल्क के वित्त मंत्री परिस्थितियों के सुधार की तरफ बढ़ने का दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान अगले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के साथ एक स्टाफ लेवल अग्रीमेंट पर साइन करेगा क्योंकि वार्ता अपने अंतिम चरण में है। उनका ये बयान तब आया जब पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 285.09 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। विशेषज्ञों ने लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के लिए IMF के साथ अधर में लटके समझौते को जिम्मेदार ठहराया है। इशाक डार ने अपने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान विरोधी तत्व दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है। ये न केवल पूरी तरह झूठ है बल्कि तथ्यों के भी खिलाफ है। SBP विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है और लगभग सभी बाहरी बकाया भुगतान समय पर करने के बावजूद 4 हफ्ते पहले की तुलना में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर ज्यादा है। विदेशी कमर्शियल बैंकों ने पाकिस्तान को सुविधाएं देनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि IMF के साथ हमारी बातचीत खत्म होने वाली है और हम अगले हफ्ते तक IMF के साथ स्टाफ लेवल अग्रीमेंट पर साइन करने की उम्मीद करते हैं। सभी आर्थिक संकेतक धीरे धीरे सही दिशा में जा रहे हैं। ये वही इशाक डार हैं जिन्होंने देश के आर्थिक संकट पर बयान देते हुए जनवरी में कहा था कि इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान के विकास की जिम्मेदारी अल्लाह की है। उन्होंने कहा था कि अल्लाह अगर पाकिस्तान बना सकते हैं तो वही इसे अमीर भी बना सकते हैं। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 Digital।